डीआईजी ऑपरेशंस लाहौर के दफ्तर में जमाशुदा 11 माह 10 दिन के रिकॉर्ड के मुताबिक शहर में सबसे ज्यादा वारदातें राहजनी और मोटरसाइकिल चोरी की रिपोर्ट हुई। यकुम जनवरी से 10 दिसंबर 2018 तक राहजनी के 2960 वाकयात रिपोर्ट हुए। गुज़िश्ता साल की निस्बत तादाद में 726 मुकदमा ज्यादा दर्ज हुए। दौरान डकैती मुजाहमत पर 26 शहरियों को मौत के घाट उतार दिया गया, जबकि 2017 में 19 अफराद डकैती मुजाहमत के दौरान जांबहक हुए। पिछले साल 419 मुकदमा दर्ज किए गए। घरेलू झगड़ों और देरीना दुश्मनी के दौरान 435 अफराद को कत्ल कर दिया गया। 2017 में कत्ल होने वाले अफराद की तादाद 349 थी। अगवा ब्राय तावान के 11 मुकदमा दर्ज किए गए। सेफ सिटी के नस्ब होने वाले 8000 से जायद कैमरे भी मोटरसाइकिल चोरी की वारदातों को रोक न सके। गुज़िश्ता साल मोटरसाइकिल चोरी की 5315 FIR दर्ज हुई। गुज़िश्ता साल मजमुई तौर पर मुख्तलिफ वारदातों के 10086 मुकदमा दर्ज हुए, जबकि 2017 में रिपोर्ट होने वाले मुकदमात की तादाद 7756 थी। इसी तनासुब से देखा जाए तो 2018 में क्राइम रेट में 23.3% इजाफा देखने में आया। पुलिस हुक्काम जराइम कंट्रोल करने के लिए वक्तन फवक्तन अपनी हिकमत अमली तब्दील करते रहते हैं, लेकिन खातिरखा कामयाबी दिखाई नहीं देती। शहर में असलहे से लैस डाकुओं के दर्जनों गिरोह के अरकान दनदनाते फिर रहे हैं, जो असलहे के जोर पर घरों, शाहराहों और गली मोहल्लों में शहरियों को लूटकर फरार हो जाते हैं। शहर के मुख्तलिफ इलाकों में 145 अफराद को मुख्तलिफ वजहों के बिना पर बेदर्दी से कत्ल कर दिया गया। डकैती की वारदातों के दौरान डाकुओं ने 25 से ज्यादा अफराद को मुजाहमत पर जख्मी किया, जबकि 3 अफराद को कत्ल कर दिया गया। नकब जनी और चोरी की 920 वारदातें हुई। कार छीनने की 2, रिक्शा समेत दीगर कमर्शियल गाड़ियां छीनने की 3, जबकि मोटरसाइकिल छीनने की 129 वारदातें रिकॉर्ड हुई। नाज़रीन प्रोग्राम जुर्मन जाम के साथ मैं हूं तारिक हफीज। नंगड़ अड्डा है कहना काछा, और यहां पर 5 दिसंबर को डकैती की वारदात होती है। 4 लोग आते हैं, 2 मोटरसाइकिल पर और 1 ज्वेलर शॉप पर। आने के बाद वहां से 150 तोला चांदी और 18 तोले जो है वो जेवर लेकर चले जाते हैं। और यहां से जाते हुए सीसीटीवी फुटेज तो खैर यहां पर चूंकि नहीं थे कैमरे, और जो लगे हुए थे वो ऑपरेशनल नहीं थे, लेकिन इस बिल्कुल ब्रिज पे जो है वो खड़े होकर किसी ने मोबाइल से उसकी फुटेज बनाई और उनको सिर्फ आप जाता हुआ देख सकते हैं। आखिर लाहौर शहर में यके बाद दीगरे इस किस्म की डकैती की वारदातें मामूल क्यों बन चुकी हैं? कहां है हमारी पुलिस, कहां है पीरू, कहां है डॉल्फिन? फिर वही सवाल जो है वो उठता है कि आखिर ये जो गश्त है, इस गश्त का निजाम मुअस्सर कब बनाया जाएगा और गश्त के सम्राट आवाम तक कैसे पहुंचेंगे? क्या कोई ज्वेलर या कोई दुकानदार, यहाँ पर कोई ताजिर अपनी तिजारत नहीं कर सकता, या कारोबारी अफराद जो है वो डरे सहमे होकर या आदम तहफ्फुज़ का शिकार होकर अपना कारोबार किस तरीके से चलाएंगे? ये स्टेट की रिस्पॉन्सिबिलिटी और सबसे बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारी पुलिस की है कि आखिर इन लोगों को तहफ्फुज़ कौन फराहम करेगा और तहफ्फुज़ फराहम करने की जिम्मेदारी कब पूरी की जाएगी? यहाँ पर हमारे साथ ताजर तबका मौजूद है, इर्द गिर्द के दुकानदार हैं, आप देख सकते हैं पूरा बाजार है, ये एक स्टेशन है काना काछा का मोजा नंगड़, और उसी जगह पर हम मौजूद हैं जहाँ पर ये डकैती की वारदात जो है वो आई। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। आप यहीं पे कारोबार? सर ये मेरी साफ शॉप है। क्या काम करते हैं? मेरा मिठाई का कारोबार। मिठाई का? हाँ। जब ये डकैती की वारदात हुई आप भी यहाँ पे मौजूद? हाँ, इधर एक लड़का गुजरा है, उसने कहा यार उधर ना डकैती हो रही है, तो हम जब आए हैं वो अंदर लगे हैं, सरेआम लगे हैं। मैं इधर आया, उन्होंने मेरे जो सामने वो 4 पिस्तौल एक बदोश है, मैं इधर भाग के दफ्तर में। ये 125 पे थे? तो 2 125 थे, एक इधर खड़ा था एक इधर खड़ा। ये जो जिनको हम जाता वीडियो में देख सकते हैं? हाँ जी बिल्कुल। अच्छा, ये यहाँ पे जो 11 बजे का टाइम था? 11 बजे। हाँ जी। अमूमन कितने बजे आप शॉप्स ओपन करते हैं? सुबह मैं तो 7 बजे दुकान पे आ जाता हूँ, ये मेरा 9:30 बजे आते हैं। ये यहाँ पे डकैती की पहली वारदात है? नहीं, पहले मेरी दुकान की भी हुई थी आज से कुछ 2-2.5 साल पहले, जब ये पुल नया बना था तो इधर वो परवारस की शॉप, वो भी उसी दिन ही हुई थी। यहाँ पे मतलब 3 से 4 डकैती की वारदातें हो चुकी हैं? हाँ जी। अच्छा, उसके बाद, अच्छा जब आपने यहाँ पे देखा तो वो माल समेट रहे थे? हाँ, वो सामने इधर लगे थे, मैं आया, मुझे लड़के ने बताया तो मैं भाग के आया, मैंने कहा, मैंने तो बोला वो चले गए, जब मैंने देखा वो तो अभी अंदर है, मैं भाग के दफ्तर में चला गया क्योंकि मेरे पास कोई शय ही नहीं थी, तो
वो फिर दो एक दो मिनट में वो मोबाइल था आपके पास? मोबाइल मेरे पास मोबाइल 15 पे कॉल कर सकते थे? नहीं वो मुझे पता ही नहीं लगा, मेरे तोते ही होश ही उठ गए थे सर। अच्छा आइंदा कभी इस किस्म की वारदात हो तो आपको पता है कि 15 जो है वो पुलिस का नंबर है, हेल्पलाइन, आप उस पे कॉल करें। ठीक है सर, ठीक है। अच्छा यहाँ पे इर्द गिर्द कितने लोग हैं आप लोग? और वो चार लोग थे बताया जा रहा है, तो वो चार लोगों को आप काबू कर सकते थे या उनके पास पिस्टल थे, आपके पास कुछ नहीं था? नहीं पिस्टल तो थे उनके पास, पता तो एकदम चला ना अंदर लगे, हमें क्या पता कस्टमर है चोर है। जब देखा हमें पता चला उन्होंने पिस्टल सीधे किए हैं, हम पीछे हो गए। आप यहाँ पे क्या काम करते हैं? ये मेरी साथ बर्गर की दुकान है। अच्छा बर्गर की दुकान। वो तो मैं तो परेशान हूँ, इतना चला नाइस बंदा है, सुनहरा, उसका सब कुछ ले गया, मेरे पास बैठता, मुझे पता है उसके पास कितनी रात है, कितना उसके पास माल है, वो सारा उन्होंने बैग में भरा है लेके। चार लोग थे? चार लोग थे। चारों के पास पिस्टल? पिस्टल तो आराम से बैठे हैं सर, हम ऐसे कोई टेंशन ही नहीं है उसको। कितनी देर दुकान में रहे? मेरा ख्याल है कम से कम 5-6 मिनट में उसने काम किया। 5-6 मिनट मतलब 11 बजे आए और 11:15 के अंदर अंदर वो चले गए? सब कुछ ले गए। 15 मिनट के अंदर अंदर सब सामान ले गए? ले गए। आप भी यहीं काम कर रहे हैं? हाँ जी, मैं मेरी दुकान है गोश्त की, मैं इधर उस नागा था, मैं इधर आया हुआ था ये लोड करवाने के लिए, तो मैंने देखा कि इधर काम हो रहा है, ये फिर दो बाहर खड़े थे, दो अंदर थे। ठीक है, जब इधर रौला पड़ा है तो फिर वो अपना सारा सामान लेके वो इधर को गए चले हैं। 2 125 थे उनके पास, पहले भी वो लोड वाले को भी डकैती हुई है 2-3 दफ़ा, ये मिठाई वाला भी लूटा गया बेचारा। मतलब डकैती की वारदातें यहाँ पे मामूल है? हाँ जी मामूल है जी। तो कभी आपने जाके SP मॉडल टाउन से गुजारिश की? देखो जिसका हो जाता है सारे बेचारे जाते हैं, किसी की सुनी जाती है किसी की नहीं सुनी जाती। मतलब पुलिस सुनती नहीं है? हाँ जी। आप लोग गए? मैं मेरी तो हुई नहीं ना, मैंने क्या लेने जाना, जिसकी हुई है यानी जब होगी तब जाएंगे, जो लोग जिनकी हुई है वो ही जाते हैं ना। आप साथ जाएंगे मतलब अगर गए तो? हमें बुलाए तो हम भी जाएंगे इंशाल्लाह। गश्त वगैरह होता है यहाँ पे पुलिस वगैरह? पुलिस वाले कभी कभार देखते हैं, होते हैं तो। कभी कभार आते हैं? हाँ सर। नहीं डॉल्फिन पीरू ये वो दूसरी पुलिस, चौकी की पुलिस? आपकी चौकी की पुलिस चलती चलती रहती है इधर, कभी गांव में कभी इधर, सजे खबे आते जाते रहते हैं, लेकिन वो पुलिस के सामने तो नहीं ना। कितने अरसे से आप यहाँ पे कारोबार कर रहे हैं? हाँ जी ये हम तो हमारी तो रहायश ही इधर ही है ना। नहीं कितने अरसे से काम कर रहे हैं? हम तो 5-6 साल से। 5-6 साल से। आप भी सर यहीं पे रहते हैं? जी जी। क्या काम करते हैं? मैं रिक्शा चलाता हूँ। अच्छा रिक्शा चलाते हैं, तो अमूमन आप यहीं पे अड्डे पे खड़े? इधर ही खड़े थे। उस दिन आप यहीं पे थे? हम उधर खड़े थे, उधर से भाग के आए जब पता चला एक्सीडेंट हो गया था, उधर खड़े थे, बाद में जब इधर पता चला भी इधर तो डकैती होगी, हम भाग के आए तो हमारे पहले निकल गए। और पता जब चला है तो वो चले गए? चले गए। मतलब ये 8-10 मिनट की गेम है सारी? 5 मिनट लगे हैं टोटल, 5 मिनट। 5 मिनट पिस्टल सबके पास? सबके पास पिस्टल, इधर से जाते हुए देखे हैं या ऐसे जा रहे हैं। अच्छा पहले भी डकैती की वारदातें यहाँ पे होती? होती हैं, 2-3 हुई हैं। पुलिस की गश्त है यहाँ पे? कभी कभार देखते हैं, चौकी वाले देखते हैं, दूसरे कोई नहीं देखते। ठीक है, आप भी यहीं पे? इतने अरसे से क्या काम करते हैं? 18 साल से हम इधर हैं। 18 साल हमारी ये कास्टमेटिक के साथ ही। अब आपको लगता है कि डकैत किसी वक्त भी आपकी तरफ भी आ सकते हैं? बिल्कुल आ सकते हैं, इधर कोई इंतजाम ही नहीं है, कोई पुलिस वगैरह कुछ भी नहीं है इधर। अपने तौर पे भी कोई इंतजाम नहीं किया? अपने तौर पे हमने गार्ड रखा है रात के लिए। अच्छा रात के लिए गार्ड रखा है, दिन में कोई नहीं होता? दिन में कोई नहीं होता। तो ये डकैती की वारदात जो ये उस वक्त आप यहीं पे मौजूद थे, कैसे पता चला आपको? वैसे ये लड़का आया है, उसने बताया उधर डकैती हो रही है, हम इधर आया, उन्होंने सामने किया, पीछे हट जाओ पीछे हट जाओ पीछे हट गए। निकले मतलब वो पिस्टल लहरा रहा था जी। चारों लोग अंदर थे? नहीं एक बाहर था, 3 अंदर थे। अच्छा एक बाहर ध्यान रख रहा था जी, और 3 लोग अंदर थे? 3 लोग अंदर थे। तो फिर उसके बाद आप यहाँ पे आए? हाँ जी उसके बाद हम आए। बड़ा अफसोस हुआ फिर यही कह के जुमला खत्म कर दिया? नहीं काफी आए इधर लोग, फिर उन्होंने काफी इन्वेस्टमेंट किया इधर, लेकिन कुछ नहीं बना। कुछ नहीं बना? नहीं कुछ नहीं बना। पुलिस काम करती नजर नहीं आ रही? हमें तो कुछ नजर नहीं आ रहा अभी तक इधर। नहीं गश्त वगैरह तो होते होंगे ना? गश्त नहीं होती, मामूल के मुताबिक गाड़ी आती है कभी एक बार, बस चले जाते हैं फिर। ठीक है आप आगे आ जाएं, आप भी यहीं पर रहते हैं? जी हाँ। आगे आ जाएं, आगे आ जाएं और आगे आगे। क्या नाम है? मोहम्मद अशरफ। क्या काम करते हैं? गोश्त का काम करते। गोश्त का काम? क्या उस दिन यहीं पे थे आप लोग? हाँ हम उधर थे ना, वो सामने फटा, हम पुल के नीचे थे। हाँ क्या हुआ? डकैती हुई है भाई जान, 4 बंदे आए हैं 2 125 पे।
असले की नोट पे लूट लिया है बेचारों का, और क्या हुआ। आप लोगों के पास जो गोश्त वाले होते हैं उनके पास तो बड़े हथियार होते हैं। हमें चलाने का तो ऑर्डर नहीं है ना, चलाने का तो पुलिस का काम है या और जो अदारे हैं उनका काम है, हमारा काम तो नहीं है ना कि बंदे मारने थोड़ी बैठे हुए हैं हम इधर, हम तो कारोबार करते हैं ना। बिल्कुल सही है। तो पुलिस तहफ़ नहीं दे रही आपको? पुलिस तहफ़ देती है, लेकिन ये है कि पुलिस इधर मुसलसल सिक्योरिटी तो नहीं है ना पुलिस की, इधर गश्त नहीं। गश्त वो भी तो गश्त के दौरान गश्त तो आई तो गए तो काम वो बंदे आए हैं 2 मिनट के लिए, उन्होंने इधर काम किया है 4 मिनट के लिए, वो इधर किसी का इंतजार तो नहीं करेंगे कि अभी हमें पुलिस आगे पकड़े। ये तो डॉल्फिन वगैरह का काम है कि बर वक्त कार्रवाई हो, जब 15 पे कॉल होती है तो चारों जिधर रोड चलते हैं उधर से आए आगे से उनको पकड़े। यहाँ पे नाजरीन डॉल्फिन वगैरह गश्त जो है वो मामूल का नजर नहीं आ रहा। आप भी रहते हैं, क्या हुआ था यहाँ? सर पता लग गया भी, चोरी हुई थी। चोरी या डकैती? डकैती हुई सर। किस तरह हुई है पता है? नहीं सर पता नहीं, पता लगा डकैती हुई है। डकैती वैसे पहले कभी चोरी डकैती यहाँ पे होती है? हाँ जी काफी होती है। हाँ जी क्यों? सर पता नहीं लगता की कर देने जो आ जाने उत्ते को दस देने भी। आप भी यहीं पे काम करते हैं? क्या काम करते हैं? दही भले। दही भले वगैरह? तो आप यकीनन उस वक्त यहाँ पे मौजूद होंगे। हाँ जी। क्या देखा? चार लोग आए वो चोरी करके चले। चार लोग आए चोरी करके चले? चोरी करके चले गए। पिस्टल से डकैती होती, चोरी तो नहीं होती? चोरी रात को होती है। डकैती क्या? चोरी वो होती है जो चोरी से की जाए। ये तो सरेआम की उन्होंने। हाँ जी। आप भी यहीं पे काम करते हैं? हाँ जी। क्या काम करते हैं? मेरा वो नाश्ते का पॉइंट है सर। डकैती हो गई है दिन दिहाड़े 11 बजे। हाँ जी। आप भी यहीं पे? हाँ जी मैं भी इधर था मौजूद। क्या देखा? भागते हुए देखा सिर्फ आपने? उस वक्त ना हमारे उधर पास एक एक्सीडेंट हुआ था, हम उसमें मसरूफ थे तो देखा, तो थोड़ी देर बाद ना इधर हमने देखा ही है जैसे, तो इधर भी शोर डर गया, डकैती हुई है। बाद में पुलिस वगैरह आई है तो अभी तक तो ये सुन रहे हैं कि इनके साथ कोई इंसाफ नहीं हुआ, इनको कोई इनका वो सुनाई नहीं हुई, तो वो होनी चाहिए इनकी। FIR हो गई है वैसे? अच्छा मेरे लंबे। आप भी यहीं पर? हाँ जी सर, सीमन पजरी की दुकान है सर। दिन दिहाड़े डकैती की वारदात, तो कारोबारी तबका तो परेशान होगा ना? बहुत परेशान है। क्या परेशानी? चार आदमी आते हैं, दो इधर पहले भी चोरी हुई है, चार आदमी है और देखे जो आदमी आ गया था पीछे जो गोली मार देंगे, छूट कर देंगे, साइड भी हो जाए। जब वो लोग अंदर थे तो आप लोग पहुँच गए थे यहाँ? बस बाहर निकल, जब हम लोग जब पता चला तो बाहर आ गए थे, बैठ गए थे, जो आगे जाता था पीछे जो गोली मार देंगे, पीछे जो गोली मार करते करते निकल गए थे, चार आदमी थे। साथ ही होते? बिल्कुल साथ दुकान है। हाँ जी बिल्कुल बिल्कुल। क्या जब चार लोग अंदर गए पता चला आपको? हाँ जी बिल्कुल पता चला था, लेकिन उनके पास पिस्टल से जाहिर सी बात है सर, पिस्टल लगा के तो किसी की भी नहीं चलती ना, फिर हथियार हो तो फिर हथियार के साथ हथियार हो तो फिर बात चलती है ना। तो कितने मिनट में सारा काम करके चले? मिनिमम 10 मिनट लगे थे उनको। 10 मिनट में? 20 मिनट में जनाब वो कार में। उन्होंने टारगेट ही ज्वेलरी शॉप को? हाँ जी बिल्कुल, उनका टारगेट ही ये थे, और मेरे ख्याल से ये टारगेट जो है रैकी के बगैर तो होते नहीं है। आपके आपके ख्याल में रैकी की गई इसकी? बिल्कुल, इसकी पहले उन्होंने रैकी की है, बाकायदा उन्होंने जनाब इनके कैमरों को जैम किया है, आके कैमरे को जैम करके फिर उन्होंने जनाब कार्रवाई की इनकी। अच्छा कैमरों को जैम किया उन्होंने? हाँ जी बिल्कुल। वो कैसे कर सकते हैं सर? ये उनको पता है, ये तो अब वो तो तस्वीर में भी नहीं आए इनकी, वीडियो की कॉल जो कैमरे उस दिन बुध का दिन था, क्रैक डाउन था बिजली का, इसलिए नहीं। ये भी हो सकता है इसलिए कैमरे नहीं चल रहे। आप भी यहीं पर? हाँ जी। क्या काम करते सर आप? मेरा 5 सेकंड से बच्चा ही दुकान है। मैंने वो मुंडे ने कहना क्या ऐसे डकैती हो रही है अंदर, मैं इधरों आया तो एक बंदा इतने खड़ोता है पीछे, उन्होंने कहा मोदर मैं इतने आ गया, तो उन्हें क्या पीछे हो जाए, मैं फायर मार देना, मैं पीछे हो गया, वो चार बंदे ही तीन फिर अंदरों निकलने, चारे 125 बैग चले गए। चारों असले से लेस थे। बाबा जी तुसी इत्थे रहंदे हो? आहो यार। किन्ने अरसे तो? जमे पले असीं जद्दी नंबरदार हां। नंबरदार हो? होर। अच्छा करीम दा मैं चाचा ही। ते इत्थे तुहाडे इलाके च डकैतियां वध गईयां ने सर? जो साडे पहले जमाने तो उदों हैगा सी अंग्रेज दा राज, टुन के रखदे सन, हैं हुण आ गया इहनां दा राज। किन्हां दा? मुसलमानां दा, जिन्हों मर्जी खाई जांदे ने। जदों अंग्रेज आ जांदे सही सही हां अल्लाह ही वारस है तुहाडा होणा। अपना सारिआं दा अल्लाह वारस है। हाँ। पुलिस की कर दी पे बस। हाँ। पुलिस की कर दी।
ਅੱਲਾ ਸੋਹਣਾ ਹੀ ਚੰਗੇ ਕਰਨ ਵਾਲਾ। ਪੁਲਿਸ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ? ਠੀਕ, ਆਪ ਵੀ ਹੈ ਬ੍ਰਦਰ? ਜੀ ਜੀ ਸਰ। ਕਿਆ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸਰ? ਇੱਧਰ ਮੇਰੀ ਸ਼ੋਪ ਹੈ, ਸੈਂਟਰੀ ਕੀ ਹੈ। ਸਰ, ਅਦਮ ਤਹਫੁਜ਼ ਕਾ ਅਹਿਸਾਸ ਹੋਤਾ ਹੈ ਕਭੀ ਆਪ ਐਸੇ ਇਲਾਕੇ ਮੇਂ ਰਹਤੇ ਹੈਂ ਕਿ ਜਾ ਕੇ ਦਿਨ ਦਿਹਾੜੇ 11 ਵਜੇ ਡਕੈਤੀ ਕੀ ਵਾਰਦਾਤ ਹੋ ਗਈ? ਬਸ ਇਹ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਤਾ ਹੈ ਕਿ ਰਾਤ ਕੇ ਟਾਈਮ ਨਾ ਜਬ ਸਰਦੀਓ ਮੇਂ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਸਰਦੀ ਮੇਂ ਇਹ ਦੂਸਰਾ ਜੇ ਬ੍ਰਿਜ ਬਣਨੇ ਕੀ ਵਜ੍ਹਾ ਸੇ ਦੋਨੋਂ ਹਿੱਸੇ ਡਿਵਾਈਡ ਹੋ ਗਏ ਹੈ। ਅਬ ਜੋ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਹੈ ਵੋ ਕਹਤੇ ਜੀ ਹਮਾਰੇ ਪਾਸ ਇਤਨੀ ਨਫਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਸਮਾਰੀ ਉਨਕੇ ਸਾਥ ਮੀਟਿੰਗ ਵੀ ਹੋਈ ਥੀ, ਇਧਰ ਆ ਕੇ ਵੋ ਬੈਠੇ ਵੀ ਦੀ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਪੇ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ ਥੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਹਮਕੋ ਆਦਮੀ ਦੇਂਗੇ, ਫਿਰ ਹਮਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਹਮੇਂ ਲੈ ਕੇ ਦੇ, ਚੌਕੀਦਾਰ ਦੇ, ਹਮ ਉਨਕੋ ਭੇਜ ਦੇਂਗੇ ਮਹੀਨੇ ਕੀ, ਸਾਰੇ ਜਿਤਨੇ ਵੀ ਤਾਜਰ ਲੋਕ। ਆਪ ਲੋਗੋਂ ਕੀ ਪੁਲਿਸ ਕੇ ਸਾਥ ਮੀਟਿੰਗ ਵੀ ਹੋਈ ਯਹੀਂ ਪੇ ਬੈਠ ਕੇ? ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ, ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਹੋਈ ਥੀ ਵੋ। ਪਿਛਲੇ ਹੋਈ ਨਾ ਮਤਲਬ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਹੋਈ ਜਾਂ ਦੋ ਸਾਲ ਕਬਲ ਹੋਈ ਜਾਂ ਦੋ ਮਾਹ ਕਬਲ ਹੋਈ ਪੁਲਿਸ ਸੇ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ? ਹਾਂ। ਆਪ ਲੋਗੋਂ ਨੇ ਕਿਆ ਮੁਤਾਲਬਾ ਰੱਖਾ ਉਨਕੇ ਸਾਹਮਣੇ? ਨਹੀਂ, ਹਮਨੇ ਕਿਹਾ ਤਾ ਕਿ ਆਪ ਹਮੇਂ ਬਤਾਏ, ਕੋਈ ਤਰੀਕਾ ਬਤਾਏ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਹਮਾਰੇ ਪਾਸ ਨਫਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਇਤਨੀ, ਤਾਂ ਹਮਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਕੋਈ ਲਾਇਲਮ ਬਣਾਏ ਬੈਠ ਕੇ ਕਿ ਕੈਸੇ ਕਰਤੇ ਹੈ। ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਆਪ ਚੌਕੀਦਾਰ ਰੱਖ ਲੇ। ਹਮਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਚਲੋ ਇਹ ਵੀ ਹਮੇਂ ਮਨਜ਼ੂਰ ਹੈ, ਹਮ ਚੌਕੀਦਾਰ ਰੱਖ ਲੇਤੇ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਦੇ ਆਪ ਹਮੇਂ ਚੌਕੀਦਾਰ ਢੂੰਡ ਕੇ। ਪੁਲਿਸ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਪ ਨੇ ਇਹ ਮੁਤਾਲਬਾ ਰੱਖਾ ਕਿ ਯਹਾਂ ਪੇ ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਮੇਂ ਗਸ਼ਤ ਪ੍ਰੋਪਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਏ, ਆਪਕੋ ਤਹਫੁਜ਼ ਕਾ ਅਹਿਸਾਸ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਏ, ਠੀਕ ਹੈ? ਲੇਕਿਨ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਆਪ ਚੌਕੀਦਾਰ ਰੱਖ ਲੇ। ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੀ ਹਮ ਗਸ਼ਤ ਕਰਤੇ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਕੋਈ ਟਾਈਮ ਐਸਾ ਹੋ ਜਾਤਾ ਹੈ, ਜੈਸੇ ਵੋ ਵੀ ਪੁਰਾਣਾ ਤਰੀਕਾ ਕਿ ਜੀ ਟਾਈਮ ਐਸਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਹਮ ਉਸ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਥੇ, ਹਮ ਬੇ ਟਾਈਮ ਏ ਆਏ, ਜਾਂ ਹਮ ਇਸ ਟਾਈਮ ਇੱਧਰ ਹੀ ਥੇ, ਹਮਾਰੇ 5 ਮਿੰਟ ਕੇ ਬਾਅਦ ਇਹ ਵਾਕਿਆ ਹੁਆ ਹੈ। ਜੈਸੇ ਅਬ ਇਹ ਬੈਠੇ ਹੈ ਕਿ ਅਗਰ ਹਰ ਕੋਈ ਆਧੇ ਘੰਟੇ ਬਾਅਦ ਘੰਟੇ ਬਾਅਦ ਅਗਰ ਕੋਈ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਾ ਇੱਧਰ ਚੱਕਰ ਲਗਾਤਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ ਜੋ ਆਏਗਾ ਵੋ ਉਸਕੇ ਜ਼ਿਹਨ ਮੇਂ ਤੋ ਹੋਗਾ ਨਾ ਕਿ ਯਾਰ ਇੱਧਰ ਫਿਰ ਰਹੇ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਪੁਲਿਸ ਕੇ ਪਾਸ ਨਫਰੀ ਕਮ ਹੈ? ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਥਾ ਜੀ, ਇਹ ਤਾਂ ਉਨਕੀ ਜ਼ਬਾਨੀ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਹਮਾਰੀ ਜ਼ਬਾਨੀ ਤਾਂ ਨਹੀਂ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਚੌਕੀਦਾਰ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ, ਫਿਰ ਹਮਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਹਮੇਂ ਚੌਕੀਦਾਰ ਰੱਖ ਲੇਤੇ ਹੈ, ਉਨਕੋ ਪੇ ਦੇਂਗੇ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਚੌਕੀਦਾਰ ਲਾ ਕੇ ਆਪ ਹਮੇਂ ਦੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਆਪਕੋ ਪਤਾ ਹੋ ਕਿ ਕੌਣ ਸਾ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਆਪਨੇ ਕਿਹਾ ਪੁਲਿਸ ਲਾ ਕੇ? ਹਾਂ, ਪੁਲਿਸ ਹਮਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਆਪ ਉਸਕਾ ਬੰਦੋਬਸਤ ਕਰ ਲੇ, ਹਮ ਉਨਕੋ ਪਰ ਮਹੀਨੇ ਕੀ ਪੇਮੈਂਟ ਦੇਂਗੇ ਜਿਤਨੇ ਵੀ ਲੋਕ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਕਰਤੇ ਹੈ ਕਰਤੇ ਹੈ, ਫਿਰ ਉਸਕੇ ਬਾਅਦ ਕੋਈ ਬਾਤ ਨਹੀਂ ਸੁਣੇਗੀ।